पल पल में राजनीतिक चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं इनेलो से सिरसा के उम्मीदवार श्री चरणजीत सिंह जी रोड़ी। आज उनसे हम अब तक के चुनाव माहौल पर चर्चा करेंगे। रोड़ी साहब, सबसे पहले तो आपका पल पल में स्वागत है। प्रधान जी, अभी मतदान में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। अब तक का जो भी आपने चुनाव प्रचार किया, अपनी कितनी प्रतिशत आप जीत पक्की मान रहे हैं? तो देखो, सब तो पहला था मैं धन्यवाद करता सरसदी जनता। आज मैं तकरीबन एक महीना हो गया चुनाव तो, जो तो चुनाव चलिया एक महीना हो गया मैं पूरा। मैं इस गल नू बड़ा सीरियस लेता कि जे कोई पिंड का सरपंच बन जाए, अगर वो जो दूसरी बार खड़ा हो गए ना, तो वह लोग बहुत किंतु परंतु मतलब होंगे। ये मैं आम ही देखा, मैं भी सरपंच रहा, लेकिन मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझदा कि मैं एक महीना हो गया अज तक किसी मेरी सभा के किसी मेरी स्टेज पर किसी मैं आम वर्कर खड़े वर्कर ने कोई किंतु परंतु कोई क्वेश्चन नहीं किया कि तुम किया की नहीं किया। सब तो पहला मैं यह सरसे की जनता का धन्यवाद करता जिन्होंने मैं एक महीना बड़ा फौस दिता। देखो, वोट तो मैं मंगनी है, लेकिन वोट मंगने के नाल नाल अगर कोई मैं अगो क्वेश्चन करे या क्वेश्चन पुट करे भी की किया किम किया, मैं यह जहाँ देखने नहीं मिले अज तक। मैं एक महीना हो गया, मैं तो भागा वाला गा कि अज सरपंच का इलेक्शन दूजी बार खड़ा होगा तो वो किंतु परंतु हो लगे। तो आप अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि जीत होगी? जीत हार वो बखरी गल है, जीत हार वो बखरी गल है, लेकिन जेड़ा रिफॉर्म्स मैं एक महीना हो गया कार्यकर्ता मिलके हो रहा, तो मैं समझा जदों जदों चुनाव चलिया तो तह बढ़ते 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 उपर आए हैं। दो दिन का जो रोड शो होया जहाँ मेरे कार्यकर्ता साथियों ने घर घर जाके डोर टू डोर किया, उन्होंने हौसला भरया हुआ। अज कार्यकर्ता खुश है, इस तरीके लंबा चुनाव सीगा, कार्यकर्ता महूस हो रहे थे, काम का टाइम आ गया सी हाड़ी का, लेकिन जो वह पिंडा च गए घर घर मिले तो वह खुश होए भी मतलब भी इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी का वर्कर है जोड़ा मजबूत बैठा, तो मजबूती लैके जो दो दिन का रोड शो किया, जो जिला अध्यक्ष जी है प्रदीप जी है आम इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी के एम एल ए साहबान गए और हलका प्रधान नाल गए और कार्यकर्ता ने तो अपनी कसर नहीं छी। मैनू नहीं पता लगा कि मेरे पिछे की कुछ आ रहा है। प्रधान जी, पिछले पांच साल में आपने ऐसे कौन कौन से प्रमुख जो काम किए ताकि लोग आपको दोबारा वोट दें? देखो, प्रमुख काम तो मेरा एम पी लैंड का पैसा 25 करोड़ रुपया। मैं यह जहा पिंड नहीं कोई छड़िया, यह जहा कोई हलका नहीं छड़िया जिन्हों ओदा हिस्सा ना दिता। चाहे तो मैं भाने हल्के 5000 वोट से हारे से, उन्ने पैसा उन्होंने दिता, उन्ने पैसा राणिया ने दिता, मैं उतो जितया। मैं किसी भी हल्के ना कोई वितका नहीं किया, जिन्ना जिन्ना वह किसी हिस्सा बनता उन्ना उन्ना हिस्सा उस हल्के लग्या, इसे करके ही मैं कोई कितु प्रतु नहीं होया। अभी आप दोबारा जीत दर्ज करते हैं तो कोई ऐसा सपना जो आप अब आगे के कार्यकाल में पूरा करना चाहेंगे? तो देखो, काम तो बहुत ज्यादा है जी, मतलब यह जे काम ने कि असी 15 साल सत्ता तो बाहर बैठे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सोच है और इंडियन नैशनल लोकदल परिवार की भी सोच है कि सरसा एक ऐसा बढ़िया क्षेत्र बने, जिस तरह पहला चौटाला साहब ने यूनिवर्सिटियां लिया के इतने बड़िया बड़िया फैक्ट्रिया का काम करके मतलब किसी तरीके एजुकेशन के हिसाब नाल साडा जिहड़ा सरसा पहला इन लोग पिछड़ा हुआ कहते हैं, लेकिन असं हुण नहीं कह सकते कि पिछड़ा हुआ। इतने एजुकेशन का हब है जिहड़ा चौटाला साहब लेके आए हैं। अज साढ़े दूसरिया स्टेटा के बच्चे भी साढ़े सरसे आके कोई पीजी च रह रहा, कोई कितने रह रहा, कोई कहते हम तो खुशी होंगी है कि साडा सरसा है जिहड़ा तरक्की वल वधिया। कदों वधिया? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब ने जदों दा उन्हां दा राज सी उदों इत्थे कॉलेज वगैरह इंजीनियर कॉलेज वगैरह आए। रोजगार का मुद्दा काफ़ी प्रमुख होता है अपने जिले के लिए, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी कोई उद्योग या फैक्ट्री नहीं जहाँ युवाओं को रोजगार मिल सके, इसकी कोई पहल करेंगे आप? तो देखो, इसकी पहल तो मैं तो सोचा सी कि होगा, कंपनी बहुत बड़ी सी जिसे मैं सिंह प्रेशन होया सी, वो सारा मुद्दा ही यह सीगा। और मैं तो उन्होंने मैं तो खुश हो गया सीगा कि तुसी साडे इलाके दे विच एडा वड्डा उद्योग खोलोगे, मैनूं तो जो सेवा कहोगे मैं तो सेवा कर दूंगा थोड़ी,
उन्होंने मैंने जिमें जिमें कहा सू डीसी को परमिशन है एस पी जरूरत है थोड़ी सू जरूरत है मैं तो सारा कुछ कहता कि तुम लाओ किसी तरीके ला दो साढ़े जो कोई कंपनी आऊगी तो साढ़े इलाके फायदा होगा बगैर रिश्वत तो मैं उन्होंने ये कहता कि मैं मैं रिश्वत नहीं चाहिए मैं पैसा नहीं चाहिए मेरे तो उस जो जी कंपनी जी एजेंसी आऊगी उस बच्चे रोजगार बेरोजगार है नौकरी लगे विपक्ष का एक आरोप रहता है अमित शाह के ऊपर कि आप संसद में बहुत कम गए और आपने मुद्दे बहुत कम उठाए नहीं ये तो तुम भी गलत कहता भी कम गए मेरी हाजरी देखो पता कि नहीं हाजरी मेरी सब तो वध हाजरी मेरी है बोलना ना बोलना पार्टी लीडर दुष्यंत चौटाला से जो पार्टी लीडर बोले साड़ी किड्डी पार्टी है दो मैंबर से कितने मिनट मिलते दो हरियाणा की गल बहुत बड़ी गल सी अगर साडा विपक्ष का लीडर दुष्यंत चौटाले नूं असीं मन्निया सी तां देखो जो कोई गल हरियाणा की गल करनी है जां बिल ते गल करनी है तां इह जिम्मेवारी दुष्यंत दी सी हाँ ठीक है मेरा तां कोई जीरो ओवर ते लग गया कोई 377 ते लग गया इहो जिहे मेरे तां सवाल है लेकिन जो मतलब लीडर बैठा होवे तां जूनियर लीडर दा फिर उत्थे होणी पिछली बार इनेलो की टिकट पर आपने लगभग 1,15,000 वोटों से अशोक तंवर को हराया था एक बड़ी लीड ली थी आपने इस बार माहौल कुछ अलग है क्योंकि इनेलो पार्टी दो फाड़ हो चुकी है पता आपको जेजेपी अलग बन चुकी है तो ऐसे माहौल में क्या लगता है आपको कि आप उतने ही वोटों से आगे आएंगे या कुछ नुकसान होगा देखो ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता नफे नुकसान तो समय समय से बदल देंगे लेकिन मैं इन्ना विश्वास जरूर है कि जेड़ी साडा पहला सीधा मुकाबला कांग्रेस नाल होया करता सी होर कोई किंतु परंतु नहीं सी विच लेकिन हुण जेड़ी ये बीजेपी जमी है बीजेपी की सरकार आई है उहदे नाल कुछ ना कुछ वोट है जेड़े वह बीजेपी नूं जाणगे मैनूं तां इस गल दा भी अंदाजा है कि जो शहरी वोट सी पहला शहरी वोट आम कांग्रेस नूं जल जांदा हुंदा सी साडा जो शहरी वोट है साडा पेट वोट हुंदा है तां मैं कहिंदा कि शहरी वोट उहनां दा बढ़ जूगा तां सानूं उहदे विच वी फायदा मिलूगा कि मैं कहना क्योंकि शहरी वोट तो सानू पेंडू वोट है जी खेतरी पार्टी है वो पिंडा दी पार्टी कह देंदे वैसे तो लेकिन इंडियन नेशनल लोग तो पिंडा दी पार्टी ना होके शहरों के बीच भी यह बहुत बढ़िया तरीके ना आवर और निभा रही है आप सारे गांव में घूमे हैं तो क्या लग रहा है इस बार आपका मुकाबला कांग्रेस से होगा या बीजेपी से देखो तिकोना मुकाबला बीजेपी तो बहुत पसी हुई है बीजेपी का कोई हल नहीं है तो मैं समझा जिस तरीके से पहला मैं सीधा कांग्रेस नाल लड़दा सी हुण मैं तकौने मुकाबले च लड़ूंगा हो सकदा कौन अगे आवे बीजेपी अगे आवे जां कांग्रेस अगे आवे दोनों च कोई एक अगे आऊगा लेकिन मैनूं उम्मीद नहीं कि बीजेपी किसी नूं किते लीड करूगी जेजेपी दा कुछ बनेगा जेजेपी दा तां खाता खोलना मुश्किल है ना कहीं कोई किसी गांव से किसी हलके से कुछ लीड होती हो ऐसा कोई लीड मैं कहना कि यह किसी हल्के जो 50-100 वोट आते पवा लें तो ठीक है वह भी कोई भुले बना के जो वर्कर है किसी तरीके चले गए हैं बाकी वो भी वोट पोल नहीं करेंगे वो तो ठीक है एक फॉर्मेलिटी आपकी कही जाते ऐसा कुछ नहीं एक आखिरी सवाल शिरोमणी अकाली दल ने बीजेपी को सपोर्ट किया है आप पहले पिछले चुनाव में वो आपके साथ थे इसका कितना लाभ हो सकता है बीजेपी को देखो श्रोमणी अकाली दल ने जो बीजेपी ने सपोर्ट किया मैं समझागा कि यह जो पंजाब वाला इन्हों का वो है समझौता है सिर्फ उन्होंने बकरा रखने वास्ते यह जहाँ हरियाणे में मैं श्रोमणी अकाली दल तो इलेक्शन लड़ाया भी सी और मैं कहना भी चाहना कि जो सरदारा उत्ते यह कहें कि सरदार वोट साड़ी है लेकिन नहीं जो साढ़े सरदार बेल्ट है ना वो इंडियन नैशनल परमादरी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नाल सब तो वध है चौधरी देवी लाल लगाव है उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नाल ठीक है एक टिकट देना एक टिकट से लड़ा देना वो वक्री गल काम किने करना सी काम इंडियन नेशनल लोकल पार्टी लेकिन लेवल लगे हुआ सी कि श्रोमणी अकाली दल का एक आखिरी आप वोटर्स को कोई संदेश देना चाहेंगे तो वोटर को तो मैं यही संदेश दूंगा कि कल सुबह सवेरे उठ के आपका बढ़िया नहा धो के जिस तरीके से असी वोट पोल करनी है आराम नाल वोट पोल करन किसी बाजी की कोई हरकत नहीं कोई किसी नाल द्वेष भाव नहीं रखनी देखो वोट पाउणा उन्हां दा अधिकार है असी तां वोट मंगी है मंग के अपील की है वोट देनी वर्कर का कम आ कार्यकर्ता का कम आ जां वोटर का कम आ तो मैं तो यही अपील करा कि शांति बनाए रखना जिले की शांति रहे मेरिया 9 के 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी विच मैं तो हुण ही अरदास करदा कि परमात्मा कल शाम को 5 बजे तक वोट सही तरीके वोट पोल हो जाए कित भी कोई किसी किस्म की दिक्कत ना आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पल पल से बात करने के लिए धन्यवाद